तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकी क्राफ्ट के कुछ वायरल मिथ्स के बारे में जो कि यार हमारे सब्सक्राइबर ने दिए हैं। एंड ये सभी मिथ्स माइनक्राफ्ट में भी वर्क करते हैं जो कि यार एकदम बिल्कुल सही बात है। सो गाइस चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। एंड हाँ तुम लोग वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला मिथ यार हमारा आता है भाई सविता गवार की तरफ से। तो इनका इन्होंने कॉमेंट किया है कि भाई मिथ, बेड लो फिर एक आइटम बेड पर फेंको तो वो बाउंस करेगा, प्लीज़ टेक माई मिथ। तो भाई यार अभी हम आपको मिथ मतलब ले भी रहे हैं तो भाई चलो यार देखते हैं। तो सबसे पहले बेड लेते हैं। बेड कहाँ है? हाँ तो भाई बेड हमें मिल चुका है यहाँ पे, देखो भाई बेड। एंड चलो बीटरूट को बाउंस करवाते हैं यहाँ पे, देखते हैं बाउंस होता है कि नहीं। सो ये तो गया नहीं, ये भी नहीं गया, एंड ये भी नहीं गया। भाई कुछ जा ही नहीं रहा तो बाउंस क्या करवाऊँ। एंड भाई ये तो मिथ ही नहीं है यार, ये बाउंस ही नहीं कर रहा। ये देखो यार ये तो ज़मीन पे ही बाउंस कर रहा था। तो भाई यार ये मिथ पूरा बस्टेड है क्योंकि यार ये मिथ। एंड तू उसको खाना है क्या? तू खाता है बीटरूट? मतलब बीटरूट खाता है यार, मेरे को तो रियल लाइफ में नहीं पसंद, इसको पसंद है चलो खिला देते हैं। सो मैंने इसको खिला दिया। सो गाइज यार ये मिथ पूरा बस्टेड था। सो गाइज यार अभी हमारा दूसरा मिथ आता है यहाँ पे जायस महतो की तरफ से। तो इनका मिथ ये है, अगर आप लोकी क्राफ्ट में शुगर कैन को पानी में प्लेस करोगे और सरीवल में जाओगे और शुगर कैन को अंदर जाओगे, शुगर कैन के अंदर जाओगे तो आप पानी में सांस ले सकते हो। सो गाइज यार मेरे को लग रहा है कि ये मिथ पूरा वर्क करने वाला है। सो चलो यार लोकी क्राफ्ट में सरीवल में जाते हैं। यहाँ पे पानी है क्या कहीं? दूर दूर तक पानी तो लग नहीं रहा। हाँ तो पानी तो है भाई, तो यहीं पे हम लोग ट्राई कर लेंगे। तो चलो गाइज यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेते हैं कुछ शुगर कैन, एंड शुगर कैन लगा लेते हैं। एंड लो भाई शुगर कैन हम लोग ले ली, यहीं पे लगा देते हैं और क्या, मतलब सही है। एंड यहाँ पे थोड़ा मोड़ा पानी भी भर देते हैं क्योंकि यार हमारा मतलब ये सी का लेवल है ना कुछ ज़्यादा ही कम है, सो पानी लेना पड़ेगा। सो भाई लोग यार हम लोग आ चुके हैं सरिवल में, एंड सरिवल में भी हम लोग पानी में डुबकी मारने वाले हैं। तो भाई चलो यार डुबकी मारते हैं और क्या, यहाँ पे शुगर कैन है एंड शुगर कैन में घुस यार। हाँ तो गाइस हम लोग शुगर कैन में पूरा का पूरा सांस ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन लेवल भी देख लो, मतलब ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे जो कॉर्नर रहता है वो हमारा पूरा का पूरा हट चुका है। एंड जस्ट उसके थोड़ा पीछा हूँ तो ये देखो गाइस यहाँ पे ऐसे हो जा रहा है। मतलब गाइस ये मिथ पूरा का पूरा रियल था। एंड हाँ यार अगर आप लोग यहाँ पे जैसे ही मतलब यहाँ पे अगर आप लोग डोर को क्राफ्ट करते हो ना, डोर तो पता ही होगा क्या होता है, डोर मतलब गेट। तो यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे हम लोग गेट लेते हैं, तो गेट को भी हम लोग पानी में सांस लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लगा दिया। एंड तेरी तो ऐसी की तैसी भाई, ऐड मतलब सबसे घटिया चीज़ होता है। सो यहाँ देखो भाई, अरे खुलना यार। हाँ तो भाई लोग यार यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी हम लोग सांस ले सकते हैं, यहाँ पे पानी आ रहा है। एंड जैसे ही मैं गेट को तोड़ूंगा वैसे ही सांस हट जाएगा, मतलब मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। सो गाइस यार ये मिथ कुछ एकदम सही वाला मिथ था। सो चलो गाइस क्या करना है, अभी चलते अपने तीसरे मिथ पे। सो भाई लोग तीसरा मिथ ये है शिवानी खंडेकर की तरफ से। अरे यार नाम कुछ गलत हुआ होगा तो माफ़ कर देना। तो इनका इन्होंने कमेंट किया है मिथ, लोकी क्राफ्ट में ब्राउन क्लोथ्स का विलेजर लो, सिर्फ ब्राउन क्लोथ्स का, और एक फार्म बनाओ और उस विलेजर को फार्म में आना चाहिए, फिर ऊपर से सीड फेंको, वो विलेजर उस सीड को फार्म में लगा लेगा, नहीं लगाता तो उस विलेजर को एक फटका मार देंगे और क्या। तो चलो गाइस जल्दी से अपना फार्म बनाने के लिए हम लोग कुछ सामग्री लेते हैं, लेकिन हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग तो भाई सरिवल में है तो सरिवल में हमारे पास कुछ है नहीं, तो चलो तभी बना लेते हैं जल्दी से क्रिएटिव मार के, ठीक ना। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो जल्दी से यार हम लोग अपना फार्म बना लेते हैं। फार्म बनाने के लिए हम लोग कुछ चीज़ ले लेते हैं। सो यहाँ से हम लोग ये, एंड यहाँ से हम लोग सीड ले लेते हैं, एंड एक विलेजर स्पॉनिंग एग ले लेते हैं। सो एक यहाँ से मैंने ले लिया। तो चलो गाइस जल्दी से अपना फार्म बनाते हैं। सो गाइस यार हमारा फार्म हो चुका है रेडी, लेकिन ये घोड़ा आ चुका है तो इसको मारना पड़ेगा, तो भाई मार दिया मैंने उसको। एंड लो गाइस यहाँ पे हम लोग को ब्राउन वाला विलेजर चाहिए, तो विलेजर ये इस लाइब्रेरियन की तो ऐसी की तैसी, मरना था तो भाई हमको पहले ही बोल देते, हम पहले ही मार देते यार, स्पॉन होने की क्या ज़रूरत थी। फिर से यही भाई यार इसकी तो ऐसी की तैसी, एंड ये बुटना क्या करेगा, चल निकल तू भी। सो यार ये चेफ क्या करेगा भाई, खाना नहीं बनाना यहाँ, ये फिर से बुटना आ गया यार, मेरा मतलब दिमाग ख़राब हो जा रहा है भाई यार, मतलब लग रहा है कि स्पॉन ही नहीं होंगे, वैसा पूरा हाल बना के रखा है।
फाइनली यार स्पॉन हो चुका है यार इस बुटने के, लग रहा है मदद से। एंड ये रुक क्यों नहीं रहा है यार, एक ही फटका तो मारा है, ये रुक ही नहीं रहा भाई। ये भी एक मिथ हो गया कि अगर इस बुटने को कैद करके एक फटका मारोगे तो भाई ये मतलब रुकेगा ही नहीं, मतलब ये रुकेगा नहीं, साला पुष्पराज बन चुका है भाई। अरे यार रुक, मैं इसको मारूं भी कैसे यार, यार ये मर भी नहीं रहा यार, मर गया। तो भाई लोग यार देखो अभी हम लोग यहाँ पे इसको सीट देते हैं जल्दी से, एंड सीट देखते हैं भाई कि ये हम लोग का फार्मिंग करता है कि नहीं। सोले विलेजर तेरे लिए सीट है स्पेशल, लेना जल्दी। ओ भाई यार इसने सीट तो नहीं लिया, लेकिन भाई ये फार्मिंग करने लगा, मतलब उसमें से जितना ज़रूरत था ना इसको उतना ही सीट इसने लिया होगा, क्योंकि यार यहाँ पे ज़्यादा ब्लॉक्स तो नहीं है। सो भाई यार ये मिथ वाला पूरा का पूरा रियल है, एंड दिस मिथ वाज पूरा फंटेस्टिक, मतलब यार यही मिथ अभी तक का सबसे मस्त मिथ था। अभी हमारा अगला मिथ आ रहा है भाई पपुन, भाई पपुन स्प्राउटस की तरफ से। तो इनका मिथ ये है कि भाई ब्रो लोकी क्राफ्ट के इन्वेंट्री में बीट फूड स्टीव नहीं होता, बट अगर आप बीट फूड और बाउल लेंगे तो भाई आपको बीट फूड स्टीव मिलेगा, मिच जरूर करना। तो चलो ले लेते हैं आपका भी मिथ। तो यहाँ पे भी हम लोग लेते हैं भाई एक क्राफ्टिंग टेबल, एंड क्राफ्टिंग टेबल कहाँ है, सो क्राफ्टिंग टेबल ले लिया मैंने, एंड यहाँ से एक बाउल लेते हैं, एंड यहाँ से हमारे पास बीट रूट पहले ही से है। सो बीट रूट हमारे पास पहले ही से है, सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा बीट रूट स्टीव बन रहा है, सो मैंने बना लिया एंड कुछ ज़्यादा ही बना लिया, एंड देखते हैं इन्वेंट्री में है कि नहीं। तो भाई यार इन्वेंट्री में हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस देखो रैबिट स्टीव है एंड मशरूम स्टीव है, बट बीट रूट स्टीव कहीं पर नहीं है। सो होपर गाइस आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, एंड आपका भी मिथ पूरा का पूरा रियल था, सो आप भी जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। सो अगर आपको भी अपने मिथ्स को मतलब अपने वीडियो में लाना है तो भाई आप लोग कॉमेंट कर दो, जल्दी से कॉमेंट कर देना। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। It's not a game.